धनबाद की सड़कों पर यमराज बने दैत्यकार हाइवा ने बुधवार को जीटी रोड पर फिर कहर बरपाया। यात्री बस को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बस में बैठी छात्रा उछलकर नीचे गिर गई। फिर तो हाइवा ने कुचल दिया, कई यात्री घायल हो गए। दरअसल बुधवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरवापुर ईस्ट इंडिया मोड़ के पास जीटी रोड कोलकाता लेन में जा रही श्री कृष्णा नामक यात्री बस में हाइवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस की पिछली सीट पर बैठी निरसा की छात्रा की मौत हो गई है। वो बीबीएमक्यू में परीक्षा देकर घर लौट रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्री कृष्णा यात्री बस सवारियों को लेकर चिरकुंडा जा रही थी। बरवा ईस्ट इंडिया मोड़ पर तेजी से आ रहे हाइवा अनियंत्रित होकर बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर होने के बाद बस में बैठी छात्रा उछलकर नीचे गिर गई और हाइवा ने उसे कुचल दिया। दुर्घटना के बाद बस के कर्मचारी बस छोड़कर फरार हो गए। और सड़क हादसे में जो कि दुर्घटना हुआ, एमपीएल का हाइवा जो है कि पीछे से जोरदार टक्कर मारा, जिसमें इसका थोड़ा सा घायल हो गई और हम लोग इसको स्थानीय अपना अस्पताल पीएमसी से लेकर पहुँचे, जिसमें यहाँ पे जांच पड़ताल में पता चला कि नहीं रही। किस चीज़ से घर जा रही थी? बस से जा रही थी। कितने लोग घायल हुए? 6-7 लोग हैं, सभी लोग हैं, 6-7 लोग हैं। उन लोगों का ट्रीटमेंट कहाँ पे किया जा रहा है? स्थानीय अस्पताल में। लड़की कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? बीबीएमक्यू का छात्रा है और मास्टर डिग्री कर रही थी, सेम फर्स्ट की छात्रा है। तो नाम क्या है बच्चे का? रितु चंद्रा, पिता का नाम उत्तम चंद्रा। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग निरसा के रहने वाली है। ड्राइवर घायल हुआ है? हाँ, उसका हाइवा का जो चालक है जो जोरदार टक्कर मारा पीछे से, वो भी घायल है। घटना कहाँ पे हुई है? ईस्ट इंडिया मोड़, थाना गोविंदपुर, जिला धनबाद। धनबाद की सड़कों पर दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज कहीं ना कहीं से सड़क दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं। धनबाद की सड़कों पर दिन हो या रात, मौत नाचती रहती है। उसे बेचारी छात्रा को क्या मालूम कि बुधवार को परीक्षा देकर वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगी और रास्ते में ही हाइवा उसके लिए काल बन जाएगा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।